और जिस तिथि को रखा गया है विपक्षी एकता की बैठक का, वो तिथि कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब दिन माना जाता है। नीतीश कुमार पर पहले से ही किसी को भरोसा नहीं, उस भरोसे को जो ऐसे देखते रहिए कि 12 तारीख को और भरोसा टूट जाएगा। मोदी के कारण हमको फोन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं मोदी इज बॉस। और सबसे दुश्मन देश हमारा जो पाकिस्तान है, वह पाकिस्तान की जनता कहती है कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रही है। तमाम विपक्षी दल का मानना है कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बर्खास्त करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाने की बात कह रहे हैं। कैसी विपक्षी एकता, जिसे विपक्षी एकता की तार तार तो पहले ही हो गई है। जहाँ केजरीवाल से 3 बार मिले हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला। नवीन पटनायक के यहाँ नीतीश कुमार गए थे और नवीन पटनायक दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री से मिल लिए। केसीआर से ये कई बार बात कर चुके और उन्होंने कोई सहमति नहीं दिया। शरद पवार कई बार नीतियाँ अपनी अलग अलग स्पष्ट कर चुके हैं। तो कैसी विपक्षी एकता, 12 तारीख को पटना में रखा गया है विपक्षी एकता, पता चल जाएगा, हवा निकल जाएगा उस विपक्षी एकता का। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, उसमें कांग्रेस, उस दिन कांग्रेस में 3 नेता हैं, राहुल, सोनिया और खड़गे। राहुल गांधी विदेश में, सोनिया गांधी विदेश में, और खड़गे का दूसरे जगह कार्यक्रम लगा हुआ है। तो कैसी विपक्षी एकता, जब कांग्रेस का नेता ही कोई भाग न ले तो ऐसी। और जिस तिथि को रखा गया है विपक्षी एकता की बैठक का, वो तिथि कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब दिन माना जाता है। 12 जून, और 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट 1975 में इंदिरा गांधी की सदस्यता को लोकसभा से रद्द किया था, और 25 को आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें यही जो विपक्षी एकता में गैर कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, इन सबको जेल में डाला था उसी आपातकाल में। तो कांग्रेस तो मनहूस दिवस मानती है 12 तारीख को, 12 जून को, और उस 12 जून को ही विपक्षी एकता की बैठक रखना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने के बराबर होगा। तो ये हवा निकल जाएगा उस दिन। नीतीश कुमार पर पहले से ही किसी को भरोसा नहीं, उस भरोसे को जो ऐसे देखते रहिए कि 12 तारीख को और भरोसा टूट जाएगा जो बचा। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी इसलिए है कि मंदिर तोड़ने का काम सबसे ज़्यादा अगर किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया गया है। पता नहीं चल रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर जो विपक्ष के लोग उसको काल्पनिक कहते थे, भगवान राम के जन्म को नकारते थे और कहते थे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान राम का जन्म स्थान हो, और उस जन्म स्थान पर जो पुरातत्व विभाग ने अपने रिपोर्ट के आधार पर जांच कर करके, खुदाई कर करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म स्थान है और मंदिर बना हुआ था, जिसको बाबर ने तोड़ कर करके बाबरी मस्जिद बनाया था, और वहां भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह पता नहीं चल रहा है। उससे बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है। देश की संस्कृति, देश की एकता, देश की मजबूती और राम राज्य की कल्पना को साकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही यह संभव हो सका है। ऐसा भी कहा गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर्नाटक भी गए थे और तमाम जगह गए थे, उसके बावजूद इलेक्शन हारते हैं, बिहार में भी आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे राज्यों में कोई जो है से एकाध राज्यों में हार से जो है से ये लोग उफान पर हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने दीजिए। कर्नाटक में हमको वोटों में कोई कमी नहीं आई, वोटों का अगर जो है से उनके एक तरफा गया, जो वोट बटा था बोकालिंगा और मुस्लिम वोट का, उसके कारण जो है से उनको ये सीटें प्राप्त हुई है। ये नहीं होने वाला है लोकसभा में, ये राज्य और लोकसभा का अलग होता है चुनाव, उनको पता चल जाएगा लोकसभा के अंदर में। देश की जनता मोदी जैसा व्यक्ति को चाहता है, जो पूरे दुनिया के स्तर पर जिस मोदी की डंका बज रही है, मोदी के प्रभुत्व का पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है, और मोदी सबसे पॉपुलर व्यक्ति दुनिया के हो गए हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कभी भारत के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देते थे आने के लिए, और वो कह रहे हैं
कि मोदी हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, सबसे चर्चित व्यक्ति है, और मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। जो कभी हमको फ़ोन नहीं करता था, मोदी के कारण हमको फ़ोन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो कहते हैं मोदी इज बॉस। पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री उनका पैर छू कर करके अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। ब्रिटेन की महारानी उनके सम्मान में उनके गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। और सबसे दुश्मन देश हमारा जो पाकिस्तान है, वह पाकिस्तान की जनता कहती है कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश की 80 करोड़ जनता को भरपेट भोजन मुफ्त में अनाज दे के कराने का काम करिए। पता नहीं चल रहा है कि दुनिया के स्तर पर हमारे भारत की क्या प्रतिष्ठा बढ़ी है, क्या सम्मान बढ़ा है, क्या गौरव हासिल हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है। तो देश की जनता चाहती है कि ऐसा ही व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व करे जो हमारे देश की प्रतिष्ठा में और चार चांद लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे प्रेम रंजन पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ को मान चुकी है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के साथ साथ किस तरह से इन्होंने क्या कुछ बताया, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए।